हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। इस वर्ष मानसून समय से पहले दस्तक देने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मानसून केरल में इसी महीने की 27 तारीख तक पहुंच जाएगा। केरल में आने के बाद नागपुर यानी विदर्भ में तक आने में अमूमन 10 दिनों का वक्त लगाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 से 10 जून के बीच इस वर्ष मानसून सिटी में दस्तक दे सकता है। बताते चले कि मुंबई में मानसून आने के 24 से 48 घंटों में नागपुर में मानसून का आगमन होता है। मुंबई में अगर 5 जून तक आगमन हुआ तो 7 जून तक यहां मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व तक यहां मानसून की लेट लतीफी भी रही है। 25 जून तक मानसून आया करता था। बीते 2 वर्षों से जून के 12 से 18 तारीख तक मानसून ने दस्तक दी है। इस बार जल्द ही बारिश शुरू होगी। वहीं मानसून पूर्व बारिश तो इसी महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। 24 से 25 मई से प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। इसी महीने आंशिक बदली के साथ बीच बीच में हल्की व मध्यम बारिश के आसार तो अभी से बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद सिटी में फिर हीट वेव की चेतावनी दी है। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्म सत्र परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के सामने आंदोलन किया गया। विश्वविद्यालय की उदासीनता के कारण छात्र परेशान हो गए हैं। कुछ दिन पहले उपकुलपति ने वीडियो के माध्यम से छात्रों से संवाद कर जल्द ही परीक्षा लेने के बारे में आश्वस्त किया था, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया गया। मई का महीना भी खत्म होने की ओर अग्रसर है, लेकिन संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन के भीतर ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में टाइम टेबल जारी कर विश्वविद्यालय अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे, साथ ही परीक्षा के बाद परिणाम भी जल्द घोषित करने की मांग की गई है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान महानगर मंत्री प्रियंका वैद्य के नेतृत्व में प्रतिकुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में शरद पवार के आशीर्वाद व मुक सहमति से सरकार समर्थित आतंकवाद शुरू होने का आरोप भाजपा ने लगाया है। प्रेस परिषद में प्रवक्ता गिरीश व्यास ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उन्मादी कार्यकर्ता पुलिस को ताक में रखकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिससे आम जनता का शांति से जीने का अधिकार संकट में आ गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता संघर्ष के चलते मिली विफलता के कारण रांगापा कार्यकर्ता अब कानून हाथ में ले रहे हैं और गृह मंत्रालय रांगापा के पास होते हुए उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं। इससे संदेह हो रहा है कि संयमी राजनीति करने वाले शरद पवार का मौन कार्यकर्ताओं को समर्थन तो नहीं दे रहा है। प्रेस परिषद में चंदन गोस्वामी भी उपस्थित थे। सत्ताधारियों के प्रोत्साहन से जगह जगह दहशत फैलाने का काम राज्य में चालू है। व्यास ने कहा कि विरोधियों को दहशत के जरिए खत्म करने का कुटिल दांव सत्ताधारी खेल रहे हैं। पालघर में साधु हत्याकांड, मंत्री आभाड़ के बंगले पर इंजीनियर करमूसे से पुलिस के सामने मारपीट, गोपीचंद पड़लकर पर जानलेवा हमला, भाजपा प्रवक्ता विनायक अम्बेकर के कार्यालय में घुसकर रांगापा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में दहशत फैलाने का प्रयास और पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक अभिनेत्री से मारपीट का प्रयास जैसी अनेक घटनाओं में रांगापा ने कानून हाथ में लिया है। मनपा चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने अंतिम प्रभाग रचना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अंतिम प्रभाग रचना में 3 प्रभागों की रचना में मामूली सुधार किया गया है। विशेषतः प्रभाग 29 की रचना को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद इसमें तथ्य पाए जाने पर मनपा आयुक्त के सुझाव के अनुसार इसमें मामूली हेरफेर किया गया है। इस सुधार के साथ अब 3 सदस्यीय प्रभाग रचना पर मुहर लग गई है। राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभाग रचना की जानकारी न केवल मनपा की वेबसाइट बल्कि सभी जोनल कार्यालयों में भी उपलब्ध है। प्रभाग रचना के अनुसार अब प्रभाग में औसतन मतदाताओं की संख्या 47,067 होगी। सबसे अधिक मतदाता प्रभाग में 29 में 54,093 होंगे, जबकि सबसे कम मतदाता प्रभाग 48 में 41,092 होंगे। राज्य चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई मुहर के बाद अंतिम प्रभाग रचना के अनुसार पहले प्रभाग 29 में कुल 48,864 मतदाता थे, जिसमें अनुसूचित जाति के 3,561 और अनुसूचित जनजाति के 3,239 थे, जबकि सुधार के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 54,093 हुई, जिसके अनुसार मतदाताओं की संख्या 5,229 बढ़ गई है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में भर्ती मरीजों के रक्त नमूने सीधे वार्ड से लेकर रिपोर्ट पहुंचाने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए स्वतंत्र स्टाफ भी नियुक्त किए गए थे,
लेकिन अब ये योजना शुरू ही नहीं हो सकी है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में भले ही वार्ड से रक्त के नमूने लिए जाते हो, लेकिन रिपोर्ट के लिए परिजनों को पैथोलॉजी या संकलन कक्ष के चक्कर काटना पड़ता है। मेडिकल में बड़ी संख्या में निजी पैथोलॉजी के एजेंट सक्रिय है। सीधे वार्ड में जाकर टेक्नीशियन रक्त के नमूने लेते हैं। एजेंट की सक्रियता पर रोक लगाने के लिए मेडिकल प्रशासन ने मध्यवर्ती चिकित्सा रक्त जांच प्रयोगशाला के सहयोग से वार्ड में नमूने लेकर मरीज तक रिपोर्ट पहुंचाने की योजना बनाई थी। मेडिकल में हर दिन रक्त मलमूत्र के करीब 2000 नमूनों की जाँच होती है। योजना से परिजनों को रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन योजना केवल कागजों में ही रह गई है। मेडिकल में अनेक डॉक्टरों के निजी पैथोलॉजी से संबंध होने के चलते ही एजेंट सक्रिय है। अब भी निजी लैब के सीधे वार्ड में मरीजों तक पहुंचते हैं और रकम लेकर रिपोर्ट भी पहुंचा देते हैं। संघ बिल्डिंग और हेडगेवार स्मृति भवन की रेकी करने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकी को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि उसे प्रोडक्शन वारंट पर नागपुर लाया गया है और पूछताछ भी शुरू हो गई है। पकड़ा गया आतंकी खांटी अवंतीपुरा पुलवामा निवासी रईस अहमद शेख असदुल्लाह शेख बताया गया है। ज्ञात हो कि पीओके से जैश के हैंडलर ओमर के कहने पर रईस जुलाई महीने में नागपुर आया था। संघ के दोनों मुख्य स्थलों की रेकी करके वापस कश्मीर लौट गया था। सितंबर 2021 में कश्मीर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर रईस को गिरफ्तार किया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम द्वारा पूछताछ करने पर रईस ने बताया था कि वो जुलाई महीने में नागपुर गया था। किसी को उस पर शक न हो, इसलिए श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से नागपुर की फ्लाइट बुक की गई थी। सेंट्रल एवेन्यू रोड पर स्थित एक होटल में उसने कमरा बुक किया, ऑटो से संघ बिल्डिंग गया और वहां से हेडगेवार भवन। दोनों स्थलों की रेकी की और मोबाइल पर वीडियो बनाकर ओमर को भेजी थी। इसके बाद नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस और आईबी के हाथ पैर फूल गए। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार ने रेत घाट नीलामी की नीति में परिवर्तन किया। इसे चुनौती देते हुए नीलामी में हिस्सा लेने की इच्छुक कुछ कंपनियों और लोगों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया था। साथ ही अदालत ने रेत घाट नीलामी पर रोक भी लगाई थी, किंतु अब रोक के बावजूद नीलामी होने की आशंका जताते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की मांग रेत घाट ठेकेदारों की ओर से की गई। मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने अति शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से नीलामी पर पाबंदी लगाने के आदेश देने का अनुरोध अदालत से किया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी ने कहा कि रेत घाट नीलामी को लेकर हाई कोर्ट की ओर से 17 मार्च 2022 को आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि रेत घाट नीलामी को पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलती है तो उसकी नीलामी पर रोक नहीं होगी। जल्दी बरसात के मौसम का आगमन होने वाला है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन को मॉनसून पूर्व तैयारियों में तेजी लाने की जरूरत है। इस आशय के निर्देश मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने मनपा अधिकारियों की बैठक के दौरान व्यक्त किए। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन स्थित आयुक्त कक्ष में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवर, उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले, कार्यकारी अभियंता डॉ. श्वेता बनर्जी, सोनाली चौहान, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, विजय हुमने, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, गणेश राठौड़, घनश्याम पंधरे, सहायक आयुक्त किरण बागड़े आदि उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी कि गटर की उचित सफाई हो और सड़क पर पानी जमा न होने पाए। इस अवसर पर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने शहर में नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी के जोनिंग कार्य की समीक्षा की। उन्होंने नदी सफाई कार्य के दौरान नदी से निकाले गए कचरे, गाद और मिट्टी का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तीनों नदियों की अधिकांश सफाई का काम पूर्ण हो चुका है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविडशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर पर एक बार फिर सीबीआई ने छापा मारा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेताओं के घरों पर लगातार छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इस कार्रवाई के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जांच एजेंसियों को निर्देश देने की बजाय सीबीआई और ईडी की टीमों को कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर तंबू लगाकर स्थायी रूप से बैठ जाना चाहिए। इस संबंध में आगे बोलते हुए अतुल लोंढे ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का भय दिखाकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियों को भी शायद याद नहीं है कि उन्होंने चिदम्बरम के घर पर कितने बार छापे मारे हैं। यही स्थिति कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार की भी है। शिव कुमार और उनके रिश्तेदारों के घर पर ईडी और आयकर विभाग ने कितनी बार छापे मारे हैं उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास कार्यालयों और रिश्तेदारों के घर पर विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 110 बार छापेमारी की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने कहा है कि 28 और 29 मई को नागपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय नवसंकल्प सोशल मीडिया कैंप का आयोजन किया जाएगा। 28 मई को राज्य स्तरीय शिविर में कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। एमपीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले, लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौहान, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात आदि नेताओं की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3085 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 36,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 14,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के समिति अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय छत्रपति भवन में ऊर्जा मंत्री तथा पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें संपूर्ण विभाग की जानकारी ली गई। लाभार्थी के अनुदान बैंक खाते में भेजने, विभाग में जमा अर्जी, केसेस, कुटुंब अर्थ सहाय योजना, अपंग, विधवा जैसे विषय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया तथा अर्जदार से मोटी रकम लेने वालों पर कार्रवाई को तेज करने पर चर्चा की गई तथा उचित निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी आर विमला, निवासी उप जिलाधिकारी बनकर तहसीलदार सावंत, पूर्व नागपुर अध्यक्ष शेख अयाज, मध्य नागपुर अध्यक्ष जुल्फिकार भुट्टो, उत्तर नागपुर अध्यक्ष दीपक खोबरागड़े, दक्षिण नागपुर अध्यक्ष सुहास नानवटकर, पश्चिम नागपुर अध्यक्ष आनंद तिवारी उपस्थित थे। गंगाबाई घाट परिसर में गुजरनगर धम्म बौद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भीमगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजनदान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि समाज सेवक विनोद इंगोले और यशवंत तुलसीकर उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में अक्षय रामटेके, पलाश गढ़पाले, साकेत मेश्राम, समीर मेश्राम, अल्पेश रामटेके आदि उपस्थित थे। महानगर की जानी मानी संस्था मानव सेवा में अग्रसर समर्पण सेवा समिति द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए नगर के चौराहों पर जरूरतमंद नागरिकों को धूप से बचने हेतु निशुल्क दुपट्टे देकर छाछ का सेवन कराया जा रहा है। हाल ही में सिटी पोस्ट ऑफिस के समीप धारस्कर रोड पर संस्था के सदस्यों द्वारा आम नागरिकों को निःशुल्क दुपट्टे एवं छाछ बांटी गयी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास, संजय महाजन, नरेश जुम्मानी, हितेश जोशी, महेंद्र गुप्ता, उमेश महतो, किशोर भैया, इंद्रजीत वासनिक, अजय टक्का मोरे, जितेंद्र धामा, मनोज तिवारी, महेश तिवारी, राजू पालीवाल, ओम गुप्ता, विपिन सरडा, किरीट भाई, कलू अग्रवाल, मुरली अग्रवाल, मनु टक्का मोरे, देवेंद्र चौरिया, लाली खमेले, मंगेश पौनीकर, राहुल सगाई, कमल रंगोले, संकेत जैन, हितेश जैन, इतवारी मित्र परिवार एवं संस्था के सदस्यगण उपस्थित थे। अगला कार्यक्रम कांजी हाउस चौक पर किया जाएगा। ऐसे पुण्य कार्यों से मन पवित्र एवं शीतल होता है, पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। नागपुर महानगर पालिका के हत्ती रोग विभाग एवं गांधीबाग जोन 6 की ओर से राष्ट्रीय डेंगू दिन के उपलक्ष्य में जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत में हत्ती रोग अधिकारी डॉक्टर जस्मिन मुलानी एवं गांधीबाग जोन के मुख्य स्वच्छता अधिकारी सुरेश खरे ने कर्मचारियों तथा नागरिकों को कीटक जन्य रोगों पर नियंत्रण पाने हेतु प्रशासन का सहयोग करने की शपथ दिलाई। तत्पश्चात गांधीबाग जोन के विभिन्न जगहों पर डेंगू से बचने के लिए कूलर के टब, पानी के टांके, कुएं, घर के अंदर एवं बाहर रखे प्लास्टिक कंटेनर आदि स्थानों पर गप्पी मछलियां, डायमिलिन 2 टी गोलियां
पोलियो डाली गई। आम जनता को डेंगू से बचाव के तरीकों पर प्रकाश डालने वाले करीब 2000 पॉम्पलेट्स बांटे गए एवं सार्वजनिक जगहों पर स्टीकर लगाकर जन जागृति की गई। रैली गांधी बाग बगीचे से शुरू होकर सोक्ता भवन, डागा हॉस्पिटल, लाला इमली चौक, ज्योति नगर खदान, गीतांजलि टॉकीज, मोहम्मद अली चौक, भालदारपुरा, ठपकर गली, गणेश चौक, टाटा पारसी स्कूल, काला कुआं आदि स्थानों से होते हुए विभागीय कार्यालय में समाप्त हुई। रैली में दीपक रंगारी, अशोक अंबागड़े, कमलाकर दातारकर, योगेश नागे, राकेश मिश्राम, शरद राउत, राकेश नाहर, अजय गोईकर, राहुल श्रीरामे आदि कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के दर्शन एवं संस्कृति विभाग तथा डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर अभिधम्म की विश्व दृष्टि विषय पर आयोजित वेबिनार में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि बुद्ध के महाकारुण्य का जागरण विश्व में करने का समय आ गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध के विचार दर्शन की वैश्विक दृष्टि पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। प्रोफेसर त्रिपाठी बतौर उद्घाटक संबोधित कर रहे थे। उन्होंने त्रिपिटक अर्थात सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की चर्चा करते हुए कहा कि त्रिपिटक में बुद्ध धम्म को व्याख्यायित किया गया है और जनभाषा में इसका उपदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभिधम्म पिटक की शैली अलग है, ये नीति और आचार पर केंद्रित है। उन्होंने उच्छेदवाद, शाश्वतवाद और मध्यम मार्ग की चर्चा करते हुए अभिधम्म के नैतिक और प्रशीलात्मक पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि अभिधम्म पिटक विशिष्ट प्रकार की वैश्विक दृष्टि है। बुद्ध का धम्म बोध, परीक्षण और आचरण की समग्र परिणति है। हमें अभिधम्म का सफल रास्ता अपनाने की जरूरत है। नापतोल विभाग के अधिकारियों ने नागपुर और चंद्रपुर जिलों के 31 प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायियों के खिलाफ मुद्रित दरों से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए कार्रवाई की है। ग्राहक अब व्यवसायी द्वारा पैक के साथ मिठाइयों का वजन, मुद्रा की तुलना में अधिक कीमत, कीमतों पर खरोच और स्टिकर फिक्सिंग, निर्माता का नाम, पता, महा वर्ष मुद्रित मूल्य, ब्रांड नाम, उपभोक्ता शिकायत संख्या, ईमेल का उल्लेख न करने के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ शिकायत करनी हो तो ग्राहक विभाग के अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में या वॉइस रिकॉर्ड करके दर्ज कर सकते हैं। इस आशय के विचार मंगलवार को विभाग के संयुक्त नियंत्रक PM बिरादर ने व्यक्त किए। GH रायसोनी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की ओर से नियमित आयोजित सक्षम अतिथि व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हाल ही में मानव संसाधन में नवीनतम रुझान व विकास विषय पर लेक्चर का आयोजन किया गया। VIA HRD फोरम के सहयोग से आयोजित ये व्याख्यान मुख्य रूप से MBA के विद्यार्थियों के लिए रखा गया था। व्याख्यान श्रृंखला के इस सत्र में शहर के मानव संसाधन HR क्षेत्र के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तित्व में से एक जाने माने डॉक्टर सुरेश पंडिलवार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। डॉक्टर पंडिलवार ने अपने व्याख्यान में वर्तमान परिदृश्य में मानव संसाधन क्षेत्र के महत्व, उसकी आवश्यकता के विषय में संक्षेप में चर्चा की। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से कुछ न कुछ नया पढ़कर अपने ज्ञान को अपडेट रखने की अपील की। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स व अन्य सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारियां देने वाली पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़ते हुए समय के साथ आगे चलने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने अपने एक घोष वाक्य को उद्धृत करते हुए कहा कि अच्छे नेता हमेशा अच्छे पाठक होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि विद्यार्थी भविष्य में स्वयं को किसी समूह के नेता के रूप में नेतृत्व करते देखना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा पाठक बनना ही होगा। भारत देश में विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। आज भी विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न धर्म के लोग उस प्यारे गुलदस्ते के समान हैं जिसमें कई तरह के फूल मिले रहते हैं। सद्भावना के कार्यों में हम सभी धर्मों के लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इसी तरह के उपक्रमों से हम नफरत की आग को बुझा सकते हैं। आज संविधान में संशोधन कर उसे अपाहिज करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देश में हमारा मूल संविधान पूर्णतया लागू हो जाए तो सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ये विचार जमात इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट के तत्वावधान में दाभा के चिंतामणि नगर में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में डॉक्टर नूरुल अमीन ने व्यक्त। देश में बढ़ती हुई नफरत को आग का जिक्र करते हुए समाज से भी विलास शिगाऊ करने भी चिंता जताई है और कहा कि हम सबको प्रयास करते हुए कुछ राजनेताओं के समाज को बांटने के एजेंडे को नाकाम करना चाहिए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।